जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु। आज की इस क्लास में हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। भाई क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे हम लोग, किसका? वो भी ए टाइगर इन द जू का। किसका पढ़ेंगे? ए टाइगर इन द जू, ठीक है ना। ये जो सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड पीछे 2024 के लिए, किसमें? 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, आएगा ही आएगा। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ये हम लोगों का सेंट्रल आइडिया किसका है भाई? ए टाइगर इन द जू का है। अब देखें हम लोग सेंट्रल आइडिया, देखते हैं क्या लिखा है। ए टाइगर इन द जू इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस, ठीक है ना। ये पोएम जो है किसके द्वारा लिखी गई है भाई? लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर इन द जू। उसने जो है दो चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है ना। किसके बारे में? ए टाइगर इन द जू के बारे में, और जो नेचुरल हैबिटाट में रहते हैं। किसमें भाई? नेचुरल आवास में, प्राकृतिक आवास में रहते हैं, उनके बारे में उसने बताया है कवि ने। देखिए आगे क्या लिखा है हम लोगों का। द पोएट मूव्स फ्रॉम द जू। कहने का मतलब है कि वह कवि जो है जू से आता है जंगल की तरफ, ठीक है। और वहाँ पर क्या दिखाता है आप लोगों को? द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि वो दो प्रकार के वातावरणों को बताता है, ठीक है ना। क्या भाई? दो प्रकार के वातावरणों को बताता है। अब देखिए हम लोग बात पूरा फ्रेंड एक बार और पढ़ लें। ए टाइगर इन द जू इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाई लेस्ली नॉरिस। इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटाट। द पोएट मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू, ठीक है भाई। एक बार वो कहाँ जाता है? जंगल जाता है। अब जंगल से फिर वापस कहाँ जाता है? जू आ जाता है। उसके बाद द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। बिल्कुल सी मैंने आसान भाषा में इसको लिखवाया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ के बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। एक एक याद कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग केवल इसको एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा जैसे मैं बताया हूँ, आपको ये तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।